हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एबीईओ में पेपर टू का यूनिट फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फोर में आप सभी के पास यदि सिलेबस होगा तो आप देख रहे होंगे कि इकाई चार हमारा है, शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। तो ये जो है, जो हमारा एबीईओ का लेक्चर वन हुआ था उसमें हमने स्टार्ट किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में एबीईओ नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा यूनिट फोर का। यूनिट फोर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट फोर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा का विकास एवं समस्याएं हमने लेक्चर नंबर वन जो देखा था उसमें हमने स्टार्ट किया था। अब वो वाला जो टॉपिक है वो अभी आधा अधूरा है, क्योंकि मैंने केवल आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था केवल मैंने उसको बताया है। तो वो टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब ये हो जाएगा उसके बाद में हम करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आधुनिक शिक्षा को प्रारंभ किया था तो पहले हम आधुनिक शिक्षा को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम उसके बाद उसके इतिहास में जाएंगे कि ऐतिहासिक रूप से शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि जिससे आप एक लिंक स्थापित कर पाओ, क्योंकि हमने आधुनिक को पहले स्टार्ट किया हुआ है, अब हम आधुनिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षा को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने जा रहे हैं मुदलियार कमीशन, जो कि 1952-53 में आई थी। इसका मतलब, इस कमीशन को ध्यान से सुनिए, इस कमीशन को, मुदलियार कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। मुदलियार आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है मुदलियार कमीशन, तो मुदलियार कमीशन का पहले हम आज इंट्रोडक्टरी देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्या है, फिर उसके बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये एबीईओ पेपर टू का हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इसमें ऑफर चल रहा है, तो आपको ये कोर्स 2249 में मिल जाएगा। अदरवाइज ये केवल 75 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रखा गया था, 75 स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही 75 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ये कोर्स आपको 2299 में मिलेगा। इसीलिए यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए तो अभी करवा लीजिए। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमें देखना है मुदलियार कमीशन और वी कैन से माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमने लेक्चर वन जो YouTube में देखा था, आप लोग पहले उसको जाकर के जरूर देखिए, एबीईओ का लेक्चर वन, उसमें हमने देखा क्या था। तो उसमें हमने ये एंड में हमने देखा था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में मैंने आपको बताया था मुदलियार कमीशन, मुदलियार कमीशन को बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि आया था हमारा 1952-53 में। तो इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, इसको हम आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन इसको भी मैं आपको बताऊंगी ही कि ये होता क्या है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि अरे हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं है। बिल्कुल आज जो हम ये मुदलियार आयोग को करने जा रहे हैं आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लेक्चर वन हमारा आया था उसमें मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है, यानी कि मुदलियार का। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम पूरा का पूरा मुदलियार आयोग है क्या, ये इसने क्या सिफारिशें दी है एवं इसमें इसने क्या क्या कमियां निकाली है हमारी शिक्षा पद्धति में, ये सभी को हम आज कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको कुछ चीज नहीं समझ में आया है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज में है, हम दोनों ही लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं। ये अभी इंग्लिश है, साथ में हिंदी भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले से ये दिखा देती हूँ।
ये हिंदी भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, साथ में मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये किसकी फोटो है? ये मुदलियार की फोटो है। अब ये मुदलियार कौन है देखते हैं। तो 1951 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एडवाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। किसने एडवाइस दिया है? तो CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने किसको सिफारिश की है, एडवाइस सलाह किसको दिया है? तो केंद्र सरकार को सलाह दिया। कैसा सलाह दिया और कब सलाह दिया? तो 1951 में इन्होंने सलाह दिया, क्या बोला कि आप एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कीजिए। किसका गठन कीजिए? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का आप गठन कीजिए। तो सरकार ने क्या किया, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंट्रल एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952। 51 में इन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एडवाइस किया कि आप गठन कर दीजिए। उनकी सलाह पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 1952 को सरकार ने गठन कर दिया। किसका? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। इस ये जो आयोग है, ये जो कमीशन है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में इस आयोग का, इस कमीशन का गठन किया गया। जो कि ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कौन थे? तो ये थे वाइस चांसलर, कहाँ के? तो मद्रास यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थे। इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। किस आयोग का? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। जब अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कर रहे थे, तो उनके नाम पर आधारित इस आयोग का नाम क्या कर दिया गया? तो इस आयोग का नाम मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग रख दिया गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है कि मुदलियार आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो मुदलियार आयोग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो मुदलियार आयोग को हम जानते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। किस नाम से हम जानते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। हम आ जाते हैं, जो मैंने वहां पे समझाया वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुदलियार कमीशन, जो कि 1951 में केंद्र सरकार को सलाह दिया गया, किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया है, सेंट्रल एडवाइजरी एजुकेशन बोर्ड ने दिया है। क्या दिया? कि आप माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कीजिए। उनकी सलाह पर, जो कि 1951 में दी गई, उनकी सलाह पर विचार करते हुए 23 सितंबर 1952 को सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे तो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति, जिसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कर रहे थे, तो इस वजह से इस आयोग का नाम पड़ गया मुदलियार आयोग। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं, आगे पर्पस क्या था, क्यों उन्होंने बोला कि आप गठन कीजिए, किस उद्देश्य से उन्होंने ये सलाह दी कि आपको गठन करना चाहिए। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या था। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन। क्या स्टडी करना है? कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन को स्टडी करना है, और क्या करना है? रीऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर्स बताने हैं। ये इन्होंने, ये पहला उद्देश्य है जिसकी वजह से इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य क्या था? टू स्टडी एम्स कैरिकुलम टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एवरी प्रोविंस इन इंडिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि केवल इंग्लिश है, हिंदी भी है, है ना। पहले मैं इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, फिर मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी। तो क्या है? टू स्टडी एम्स कैरिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एवरी प्रोविंस इन इंडिया। भारत के सभी प्रांतों में, सभी प्रोविंस में क्या, किसके बारे में स्टडी करना है?
तो शिक्षा का उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैरिकुलम पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए कैरिकुलम, और टीचिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, शिक्षण के मानक क्या होने चाहिए, कहाँ पे तो सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर सभी प्रांतों में क्या होना चाहिए, तो ये दूसरा उद्देश्य है जिसकी वजह से इस आयोग का, इस कमीशन का गठन किया गया। तीसरा उद्देश्य क्या है, टू स्टडी पे स्केल्स एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर की जो शिक्षक होते हैं उनका पे स्केल कितना होना चाहिए एवं उनके सेवा की शर्तें क्या होनी चाहिए, सर्विस कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में भी स्टडी करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चौथा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय की स्थिति क्या है सभी प्रांतों में, उसके बारे में स्टडी करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। पांचवा उद्देश्य क्या है, टू स्टडी एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी लेवल में एग्जामिनेशन सिस्टम्स जो होता है उसको स्टडी करने के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है उसकी स्टडी के लिए इस आयोग का गठन किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसकी स्टडी के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको जो है हिंदी में भी देख लेते हैं कि क्या क्या किस उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको समझा भी दिया लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग इसको एक बार देखेंगे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला उद्देश्य देखिए, समकालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और इसके पुनर्गठन का उपाय सुझाना। पहले स्थिति का अध्ययन तो करो तभी तो पुनर्गठन के उपाय सुझाओगे, तो बिल्कुल स्थिति का अध्ययन और पुनर्गठन का उपाय। दूसरा उद्देश्य क्या था, तो भारत के हर प्रांत में और विकेंद्र से प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण मानक का अध्ययन करना है कि माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए एवं शिक्षण का मानक क्या होना चाहिए, तो इसका अध्ययन कीजिए। फिर उसके बाद तीसरा उद्देश्य क्या था, तो तीसरा उद्देश्य था कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन, क्योंकि शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भी दिक्कत थी तो उसका भी अध्ययन करना अनिवार्य हो गया था। फिर उसके बाद चौथा उद्देश्य था कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन, कि विद्यालयों की स्थिति क्या है उसके बारे में भी तो पता चले कि कहीं स्कूल है तो कहीं बुक नहीं है, बुक है तो टेबल नहीं है, बेंच नहीं है, तो इस तरीके से सभी पूरी स्थितियों का अध्ययन किया जाए। फिर उसके बाद पांचवा उद्देश्य था कि माध्यमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाए कि कैसी परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए हमारे भारत देश में, तो माध्यमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाए। छठा उद्देश्य था कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके उपाय सुझाना, जैसे कि फर्स्ट में ही हमने देख लिया कि माध्यमिक स्थिति का अध्ययन और पुनर्गठन का उपाय सुझाना, तो सेम वही है लेकिन यहाँ पे प्रत्येक प्रांत में, केवल एक जगह नहीं तो भारत के प्रत्येक प्रांत में इसको, इसकी स्टडी करना अनिवार्य हो गया था, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या बताया जा रहा है। अब ये आयोग का गठन तो हो गया है, अब इस आयोग के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है इस आयोग के बारे में। तो द कमीशन अडॉप्टेड टू मेथड्स टू स्टडी एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन, इसे तो अध्ययन करना था, स्टडी करना था, क्या स्टडी करना था, तो सेकेंडरी एजुकेशन को स्टडी करना था, कहाँ पे, तो सभी प्रांतों में, एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया में, इसीलिए तो आया। अभी तो हमने देखा ना, उद्देश्य देख लिया, यानी कि इसको स्टडी करने के लिए इस आयोग को लाया गया कि आप सेकेंडरी एजुकेशन जो कि एवरी प्रोविंस में आप स्टडी कीजिए। तो इन्होंने दो मेथड अपनाए, एक मेथड जो है, क्या मेथड इन्होंने अपनाया, तो पहला मेथड इन्होंने क्वेश्चनार मेथड अपनाया और दूसरा मेथड इन्होंने इंटरव्यू मेथड अपनाया। क्वेश्चनार मेथड होता है कि इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सभी चीजों को पूछा है। तो इन्होंने क्या किया है, एक मिनट, है ना,
इन्होंने क्या किया है, दो मेथड, अब कुछ तो करना है, अब हमें स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए इन्होंने दो मेथड अपनाया, पहला कौन सा क्वेश्चनार और दूसरा कौन सा इंटरव्यू मेथड अपनाया, ठीक है। अब इसको हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू दीज टू मेथड्स, ये जो दो मेथड है, दो तरीके हैं क्वेश्चनार, अब ये बताइए क्वेश्चनार क्या होता है कि सीधा किसी से क्वेश्चन पूछो तो आंसर मिल जाएगा। इंटरव्यू मेथड क्या होता है, साक्षात्कार करना, जा जा करके लोगों से मिलना और उसके बाद में आंसर लेना। कुल मिला करके आप प्रश्न करेंगे तो भी वही है और इंटरव्यू करेंगे तो भी वही है, यानी कि तो इन्होंने दो मेथड, अब उसका अलग अलग से नाम इन्होंने बता दिया कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है और ये सीधा साक्षात्कार है कि सीधा हम जा जा करके मिल रहे हैं और तो विवाह पे पूछा ही तो जा रहा है। तो दो मेथड अपनाए इन्होंने किस लिए, कि सेकेंडरी एजुकेशन को, जिससे ये स्टडी कर पाए। तो इस आधार पर जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उस आधार पर ये कमीशन ने, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को बनाया और रिपोर्ट को बना करके इन्होंने केंद्र सरकार के सामने और वैकेंसी गवर्नमेंट के सामने इन्होंने प्रेजेंट किया। बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, इन्होंने प्रेजेंट कब किया अपनी रिपोर्ट, तो इन्होंने प्रेजेंट किया है 29 अगस्त को 1953 में। कब? 29 अगस्त 1953 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है। बिल्कुल आपको याद रखना है ये चीज कि इन्होंने कब प्रस्तुत किया है, तो 29 अगस्त 1953 को। अब इस रिपोर्ट में था क्या, तो ये रिपोर्ट था 244 पेज का, जो कि 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड था। कितने पेज का, तो 244 पेज का 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड था। इस रिपोर्ट में था क्या, तो इस रिपोर्ट में था शॉर्टकमिंग्स ऑफ द देन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि उस समय जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें क्या क्या कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, कमियां हैं, उसके बारे में इस रिपोर्ट में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी इस आयोग के द्वारा। दूसरा क्या था, तो रेमेडीज था और डिटेल्ड फीचर था सेकेंडरी एजुकेशन का, कि ये तो कमियां तो हमने बता दिया, हमने कमियां तो बता दी, अब उनके सुझाव भी तो बताइए। तो पहले रिपोर्ट में, यानी कि जो ये रिपोर्ट में क्या क्या था, तो कमियां थी और सुझाव थे, ठीक है। अब इसी को अब हिंदी में भी देख लीजिए कि क्या क्या इसमें है, सेम चीज जो मैंने यहाँ पे बोला ये वही लिखा हुआ है कि आयोग की रिपोर्ट। तो आयोग की रिपोर्ट क्या है देखते हैं, आयोग की रिपोर्ट ने भारत की प्रत्येक, तो आयोग ने भारत के प्रत्येक प्रांत में मौजूदा माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए दो तरीके अपनाए, कौन सा था, प्रश्नोत्तर विधि और साक्षात्कार विधि। इन दो विधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की और सरकार को प्रस्तुत किया, ठीक। प्रस्तुत करने के बाद हुआ क्या, तो प्रस्तुत करने के बाद, यानी कि प्रस्तुत कब किया गया, तो 29 अगस्त 1953 को ये रिपोर्ट जो है सरकार के सामने प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा, तो मुदलियार कमीशन के द्वारा, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार आयोग को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से। ईयर पूछेगा तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए हमें कि ईयर है 1952-53, 52 में गठन हुआ है और 53 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस वजह से यदि ओवरऑल यदि आप ईयर की बात करें तो 52-53 इसीलिए गिनाता है। तो यह रिपोर्ट 244 पृष्ठों की है, जो कि 14 अध्यायों में विभाजित है। रिपोर्ट में शामिल क्या है, तो रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा की तत्कालीन मौजूदा प्रणाली की कमियां हैं, खामियां जिसे आप बोल दीजिए, या फिर और दूसरे में क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा के उपचार और विस्तृत विशेषताएं हैं, यानी कि हमने कमियां तो बता दिया, अब डॉक्टर ने बीमारियां पूरी गिना दी हैं, इतनी सारी आपको बीमारी है, तो आप तो बिल्कुल हैरान हो जाओगे, अरे आपने बीमारी बता दी, कुछ दवाई तो बता दो, इलाज तो करो। तो उन्होंने बिल्कुल उपचार भी बताया है, यानी कि मुदलियार आयोग ने कमियां तो बताई हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि इन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हो, एवं विस्तृत माध्यमिक शिक्षा की इन्होंने विस्तृत विशेषता भी बताई है कि ये जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसको हम सब, हमें ये सब देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और क्या है, और हम देखते हैं कमियां इन्होंने बताई हैं, तो कमियां हम देखते हैं क्या क्या कमियां इन्होंने बताई हैं, ठीक है। माध्यमिक स्तर की क्या क्या कमियां हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें इसीलिए तो अपॉइंट ही किया गया था, तो डिफेक्ट्स पहले हम देखने जा रहे हैं। तो
तो हम डिफेक्ट्स की यदि बात करते हैं तो इन्होंने बताया मेन एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन बट इट डज नॉट डेवलप क्वालिटीज सच एज कोऑपरेशन डिसिप्लिन लीडरशिप अमंग स्टूडेंट्स। अब ऐसे समझिए इसको क्या है कि हम बिल्कुल ध्यान क्या देते हैं बच्चों को बोलते हैं कि बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है। वो पढ़ाई में ध्यान देते देते तो ये माध्यमिक शिक्षा इन्होंने बताया कि सबसे प्रमुख कमियां है कि हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि अब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं कहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के बाद अब आपको तैयार हो जाना है कहाँ पे जाने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हम उनको तैयार कर रहे होते हैं विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए हम उन्हें तैयार कर रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें ये कुछ क्वालिटीज हम उनमें डेवलप नहीं कर पाते हैं और कैसी क्वालिटीज और कैसी विशेषताएं हम उनमें नहीं विकसित कर पाए तो कॉपरेशन हम उन्हें नहीं सिखा पाए उन्हें हम डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए उन्हें हम लीडरशिप क्वालिटी नहीं सिखा पाए केवल हम उनको तैयार किए कि आप स्कूल से निकल करके अब यूनिवर्सिटी में चले जाइए हम उन्हें एक साथ रहना कैसे है आपको उचित अनुशासित कैसे रहना है आपको लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए ये सब हम नहीं सिखा पाए तो ये एक कमियां है कि उद्देश्य केवल माध्यमिक शिक्षा का इतना था कि बच्चों को तैयार कर दिया जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए इसीलिए इतनी मोटी मोटी पुस्तक आप देखते हैं 11 12th में कितनी मोटी मोटी पुस्तक पढ़नी पड़ती है तो बिल्कुल हमने उस पर ध्यान दिया लेकिन हमने कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया कि अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है कोऑपरेशन नाम की भी कोई चीज होती है और लीडरशिप क्वालिटी भी बच्चों में डेवलप होनी चाहिए तो ये एक कमियां है जो कि इस आयोग ने बताई है ये फर्स्ट डिफेक्ट हुआ ठीक है। दूसरा डिफेक्ट इस आयोग ने बताया है कि कैरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज इम्प्रैक्टिकल यानी कि माध्यमिक इन्होंने क्या बताया कि ये जो माध्यमिक स्तर पर ये जो पाठ्यक्रम है कैरिकुलम है एकदम इम्प्रैक्टिकल है जो कि यूज नहीं होगा अव्यवहारिक जिसे हम बोलते हैं व्यवहारिक नहीं इम्प्रैक्टिकल है ये ठीक है कि हम कहाँ पे क्या पढ़ रहे थे और आगे हमारे जीवन में ये ज्यादा यूज हो नहीं रहा है तो इसे हमें सुधार करने की आवश्यकता है ये कमियां है कि उसको प्रैक्टिकल बनाओ क्या बनाओ उसको प्रैक्टिकल बनाओ ये जो कैरिकुलम ये जो पाठ्यक्रम है वो इम्प्रैक्टिकल है ये एक कमियां हो गई ठीक है। तो ये दूसरी कमी इन्होंने चिन्हित कर दी। फिर उसके बाद आता है टीचिंग मेथड्स आर फुल ऑफ डिफेक्ट्स यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है ना उसमें तो पूछो ही मत उसमें तो पूरी खामियां ही खामियां पूरी की पूरी गलतियां उसमें किसमें है तो शिक्षण प्रणाली जो शिक्षण के तरीके हैं शिक्षण मेथड टीचिंग मेथड्स में वो तो फुल ऑफ डिफेक्ट्स है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी फुल ऑफ डिफेक्ट्स है इसका हमें एक एक क्या हम बताएं ये तो पूरा का पूरा ये डिफेक्टिव ही है क्या है डिफेक्ट्स है क्या एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि रिजिड टाइम टेबल एंड अनसुटेबल टेक्स्ट बुक्स ये जो टेक्स्ट बुक्स है ना बिल्कुल अनसुटेबल है बिल्कुल सही नहीं है और ये जो टाइम टेबल इन्होंने बना करके रखा है माध्यमिक स्तर पर वो भी बिल्कुल ऐसा एकदम रिजिड है यानी कि बदल नहीं सकते हो इतने देर से इतना यही करना है उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक तो पहली बात इतनी मोटी मोटी पुस्तकें उसके अलावा आपने माध्यमिक स्तर पर कुछ किया ही नहीं केवल पढ़ते ही रह गए तो ये इतना रिजिड इन्होंने टाइम टेबल बना करके रखा है ठीक इन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद ये क्या बता रहे हैं तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ को कैरिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल यानी कि केवल ध्यान दे रहे हैं कि केवल हमें सेकेंड स्कूल से निकाल कर ही यूनिवर्सिटी में ले जाना है कोई सह को कैरिकुलर एक्टिविटीज यानी कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि डांसिंग हो गया सिंगिंग हो गया गेम्स हो गया गेम्स में आप लोग अलग अलग स्पोर्ट्स कबड्डी हो गया फिर उसके बाद खो खो हो गया क्रिकेट हो गया बास्केटबॉल हो गया यानी कि अलग अलग प्रकार की गेम्स डिबेट्स हो गया डिस्कशंस हो गया स्पीच हो गया इस प्रकार की कोई को कैरिकुलर एक्टिविटी में तो ध्यान ही नहीं दे रहे और उसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं है माध्यमिक स्तर पर ठीक। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं नो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स टीचर के बारे में भी स्टडी करना था ना कि इनका पे स्केल क्या होना चाहिए तो बिल्कुल उन्होंने स्टडी कर लिया कि जो टीचर्स है ना तो उनका तो अपॉइंटमेंट कैसे करना है नियुक्ति कैसे करनी उनके लिए तो इनके पास तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं कि इनकी भर्ती कैसे करेंगे उसके लिए इनके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो ये इन्होंने पूरी कमियां पूरी गिना दी। अब बोल दिए कमी अब बोल रहे हैं ना कि कमियां बताइए तो ये बता दिए बड़ी खुशी खुशी ठीक है। तो वही चीज जो हमने यहाँ वहां पे देखा अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है
तो ये भी वही चीज लिखा है जो मैंने आपको बता दी। एक फटाफट एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि माध्यमिक शिक्षा कि माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए तैयार कर रहे थे, यानी कि आप लोग बस प्रिपेयर करते रहे जाओ बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है कि बच्चे और किसी में ध्यान ही नहीं दे पा रहे, हो रहा है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, कि IIT के लिए पढ़ना है, NIT के लिए पढ़ना है, यानी कि बहुत बहुत सारे एग्जाम है, बिल्कुल आप लोग जानते अवगत है, ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे इन्होंने केवल ये सोचा कि हमें तैयारी करवानी किसकी, तो विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए, तो ये इनकी इनकी एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा में केवल प्रवेश करवाते, लेकिन यह छात्रों में सहयोग नहीं ला पाए, अनुशासन नहीं ला पाए और न ही नेतृत्व जैसे गुणों का ये विकास कर पाए। अब सहयोग नहीं लाए, बच्चा सोच रहा है कि मुझे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फर्स्ट आना है, मैं शेयर नहीं करूंगा अपना नोट्स, तो सहयोग तो लाए ही नहीं। अनुशासन नहीं लाए कि डेली बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फर्स्ट आना है, मुझे अच्छी रैंकिंग लानी है, हो गया छोड़ो, स्कूल में तो ज्यादा कुछ पढ़ाते नहीं है, रहने देते हैं, अपन स्कूल नहीं जाते। नेतृत्व नहीं आ पाया क्योंकि कोई भी एक्टिविटी में ये इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट ऐसे नहीं किया क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है, हमेशा ध्यान उस पर केंद्रित रहा तो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो नेतृत्व सीख ही नहीं पाए। तो ये सब नहीं सीखे, केवल ये सोचे कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना है, ये इन्होंने पहली कमियां बताई हैं। दूसरी कमियां इन्होंने क्या बताई हैं कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। फिर इन्होंने बताया, तीसरा इन्होंने बता दिया कि शिक्षण विधियां तो दोषों से भरी हुई है, इसके बारे में तो पूछिए ही मत। फिर उसके बाद चौथी बात इन्होंने बोली कि परीक्षा प्रणाली भी खामियों से पूरी भरी हुई है, इसके बारे में एक दो मत पूछो, ये पूरी खामियां ही खामियां है इसमें। फिर उसके बाद पांचवें में इन्होंने बताया कि कठोर समय सारणी है और अनुपयुक्त पाठ्य पुस्तकें हैं, यानी कि उपयोगी नहीं है ये पाठ्य पुस्तकें जो कि यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। फिर उसके बाद इन्होंने छठे में जो कमियां बताई हैं, बोला है कि विद्यालयों में जो पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं इनकी समुचित व्यवस्था ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो तैयार कर रहे हैं ना विश्वविद्यालय के लिए, तो कहाँ से ये सब लाएंगे। फिर उसके बाद सातवें में इन्होंने कमियां बताई कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई उचित मानदंड नहीं है, जब मानदंड ही नहीं है तो पे स्केल कैसे बता दें ये, फिर उसके बाद सेवा शर्तें कैसे बता दें ये, सर्विस कंडीशन क्या होगी ये कैसे बता दें, क्यों? क्योंकि उनकी नियुक्ति के लिए ही कोई मानदंड आपने कोई क्राइटेरिया ही नहीं फिक्स किया है। तो ये आज हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि मुद्रियार आयोग ने क्या क्या, मुद्रियार आयोग कब आया, इसमें इसने क्या कमियां बता दी, और अब हम कल क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कि अब इन्होंने इतनी कमियां तो बता दी, अब आप ये देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो आयोग है इसने पहले सरकार ने बोला कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल पहले उद्देश्य को आप लोग याद कर लीजिए, क्यों? क्योंकि उन्हीं उद्देश्य को, यदि आपने उद्देश्य याद कर लिया ना तो आप लोग ध्यान दोगे कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कमियां को गिनाया है, यही कमियां हैं। अब जब यदि आपने कमियों को याद कर लिया तो फिर उसके बाद जब ये सजेशन देंगे ना तो इन कमियों के लिए ही सजेशन देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है उसी का तो सॉल्यूशन होता है, जब प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको यदि प्रॉब्लम याद है तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से याद हो जाएगा और मुद्रियार आयोग के रिकमेंडेशंस आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन हमारा आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।